जो बड़ा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, झटके पे झटके आप लोगों को लग रहे हैं, वो काम नहीं आ रहा, लेकिन जनता इसको किस तरह से देख रही है? मेरे हिसाब से पार्टी के जो लोग हैं उन्हें विश्वास नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी खत्म होने को है। अब तो देखने में ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल भी चले गए, संजय सिंह बाहर इसलिए भेज दिए गए शायद कि वो संभाल ले, लेकिन वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप क्या देख रहे हो कि आपकी पार्टी खत्म हो रही है, एक के बाद एक छोड़ते जा रहे नेता, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी अच्छा से काम करती तो शायद वो अभी रहते, पर जहाँ तक है कि दिल्ली में भी देख सकती है कि आम आदमी पार्टी अभी तक आपके घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे अभी तक, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है उन्होंने और बता रहे हैं कि भैया ये आपके जो सीएम हैं वो आ नहीं सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि जेल के अंदर हैं, लेकिन आपको उनके साथ खड़े रहना है, तो खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं खड़े रह सकते। आप क्या कहेंगे? हमें ईडी पर पूरा भरोसा है, वो अपनी निष्पक्ष होकर जांच कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को बायस होकर नहीं देखना चाहिए, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, जिस तरह इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार पे जो ईडी जांच कर रही है वो सही जांच कर रही है। हाँ, वो अभी तो साबित होना है, आपने तो कह दिया कि किया है। नहीं तो कर रहे हैं ना, जांच चल रही है ना, उसे भरोसा रखना चाहिए इनको। हाँ, क्यों इसे भाग रहे हैं ये? कोर्ट टू कोर्ट चक्कर काट रहे हैं घनेन्द्र भारद्वाज जी आप लोग, लेकिन राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और कोर्ट टू कोर्ट तो छोड़िए, आज तो राजकुमार आनंद कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, वो मंत्री आपके रहे, उन्होंने कहा कि भैया ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी, और अब मैं और साथ नहीं दे सकता हूं आपका। देखिए, जिस तरीके से ईडी ने पूरे देश में डर का माहौल बनाया हुआ है, राजकुमार आनंद बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका देश में विदेशों में बिजनेस चलता है। उनके खिलाफ भी कुछ महीने पहले ईडी की रेड हुई थी, ईडी ने उनके घर को भी सर्च करा, और जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई लगातार उनपे भारतीय जनता पार्टी का दबाव था कि आप पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। लगातार ईडी दबाव दे रही थी कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो गए, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, आपके पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। हर आदमी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता। मनीष सिसोदिया ने बोला मैं जेल में रहना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने घुटने नहीं टेकूंगा। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने बोला मैं नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछता रहूंगा, लेकिन अपनी बातों से नहीं हटूंगा। तो हर आदमी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन नहीं हो सकता। दूसरी, अभी आपके यहाँ पे साथियों ने बात करी, निश्चित तौर पर ईडी अपना जांच कर रही है। ईडी की जांच में आज तक 2 साल हो गए बच्चों, तुम समझ लो, तुम्हें जो पढ़ाया जाता है ना उससे थोड़ा सा बाहर आओ, व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से। 2 साल हो गए इस जांच को करते हुए ईडी की, और 2 साल में 500 से ज्यादा जगह रेड हुई है। हाँ। 1000 से ज्यादा लोगों को एज अ विटनेस एग्जामिन करा है, 1 रुपए की भी अभी तक रिकवरी नहीं हुई। कोई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट में बता रहा हूँ, क्या कहा सर? मुझे आपको रोकना पड़ेगा ना, अगर आप कंप्लीट, आप कोर्ट के लिए भी कहेंगे, लेट मी कंप्लीट, मैं अभी पूरी बता रहा हूँ। हिमानी, 1000 से ज्यादा लोगों को ऐसा विटनेस एग्जामिन करा, 2 साल से जांच चल रही है, 500 से ज्यादा जगह रेड हुई, हमारे सारे विधायक, सारे पार्षद, सारे नेताओं के घर, अकाउंट, बैंक सब खंगाल लिए, लेकिन 54 की भी रिकवरी नहीं हुई ईडी के पास। आज तक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। विटनेस कौन है? सी अरविंद, जो खुद मामले में अक्यूज है। विटनेस कौन है? मुगलता राघव रेड्डी। जब आप उन पर उंगली उठाते हैं, जब आप उस पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे होते हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी से मैं एक बार क्विक रिएक्शन इस पर ले लेती हूं। सिद्धार्थ यादव जी, क्या आप करते हैं? किसी के अकाउंट खंगाल लेते हैं आप, किसी के घर बेच देते हैं आप, मतलब आप चाह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप तोड़ना चाहते हैं केजरीवाल एंड पार्टी को, और संजय सिंह ने तो आज जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बकायदा उन्होंने ये कहा कि गैस चैम्बर, और गैस चैम्बर से उनका मतलब वो हिटलर वाला गैस चैम्बर जो है उसका, उन्होंने बोला कि आप वो तिहाड़ जेल को बनाना चाहते हैं क्या? माने जी, अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। ये देश का सौभाग्य है कि हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, नहीं तो बंटा धार ऐसा हो जाता कि मतलब हम लोग ढूंढे नहीं मिलते। एक ही प्रजाति, एक ही गिरगिट बहुत है। एक दुनिया में विशेष प्रकार का गिरगिट होता है, कमिलियन नाम का, भारत में नहीं पाया जाता था। अरविंद केजरीवाल जी के रूप में वो भारत में एकमात्र पीस आया, और ऐसा शानदार आया कि जहां जाते हैं वहां रंग बदल देते हैं। युवा साथियों को कह रहे थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए। अरे ये युवा है, इनके लिए कोई यूनिवर्सिटी तो आपने बनवाई नहीं गई 10 साल में, इनके लिए कोई काम तो आपसे हुआ नहीं, और यहाँ पे सवाल पूछ रहे तो आप उनपे प्रश्न उठा रहे। कल कोर्ट ने
अरविंद केजरीवाल को जो चपत लगाई है, जितनी बातें ये मीडिया ट्रायल में खड़े होकर के यहाँ पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे, टाइमिंग क्यों, अरेस्ट होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, रिमांड मिलनी चाहिए थी नहीं मिलनी चाहिए थी, एक एक बात का जवाब दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा आपके खिलाफ इतना मटीरियल एविडेंस है कि आपको अरेस्ट होना पड़ेगा, आपके खिलाफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसकी मात्र कंसीलमेंट नहीं, मतलब छुपाना ही नहीं, आपने उसको इस्तेमाल भी किया, आपने जिन हवाला चैनल से पैसा भेजा ना गोवा में वो भी कोर्ट ने जिक्र किया, और मनी ट्रेल मनी रिकवरी, एक चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली, अरे मनी ट्रेल मनी रिकवरी नहीं होती, मनी ट्रेल होता है पैसा कहाँ से आया था और कहाँ गया, वो कोर्ट ने साबित कर दिया कहाँ से आया था कहाँ गया। इनका अहंकार चूर चूर हो चुका, आज तो इनका मंत्री भी इनसे छला हुआ इनको छोड़ करके गया है, पर मैं मानता हूँ ये मात्र एक एग्जाम्पल नहीं है, जितने भी लोग एक ऐसे आंदोलन के साथ जुड़े थे जिसने इस देश की भावनाओं को जोड़ते हुए कहा था एक स्वच्छता की राजनीति होनी चाहिए, आज वो सब छले हुए हैं, वो सब अपने आप को। मैं इसी पॉइंट पर संजीव कौशिक जी से एक यहाँ पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ कि संजीव कौशिक जी, ये बात तो ठीक है कि आंदोलन से निकली वो पार्टी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो आंदोलन छेड़ा गया था, वो दिल्ली का रामलीला मैदान, वो जंतर मंतर, वो 10-12 साल में जो भी आप लोगों ने कमाया या जिस भी तरह से उन्होंने बनाया, क्या वो सब धूमिल हो गया? आज तो खुद राजकुमार आनंद, वो पटेल नगर से आपके विधायक, वो ये साफ तौर पर कहते हुए इस्तीफा दे देते हैं। इसी बात की आशंका थी हिमानी, जो सामने दिखाई दे रहा है, राजकुमार जी कौन है, क्या ये पहली बार विधायक बने, इनके घर से कोई दूसरा विधायक नहीं था, मेरी बात तो सुन लीजिए ना, इससे पहले इनकी पत्नी थी विधायक ना, उसके बाद में ये बने मंत्री बने, आज उनकी भाषा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गरीब विरोधी है ये, दलित विरोधी है ये सरकार, ये अचानक एक रात में ऐसा हो जाता है क्या? पिछले ही नवम्बर को 2 नवम्बर के आसपास में उनके घर पे छापा ईडी ने छापामारी की थी ना। देखिये ये बात आपको समझनी होगी, इन बच्चों के दिमाग में ये गफलत जो पैदा हुआ है उसको खत्म करने की जरूरत है कि ईडी काम कैसे कर रही है, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? लेकिन इन बच्चों के दिमाग में जो भी आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो कैंपेन चला रहे हैं ना, लेकिन क्या उस बात का उस तरह से असर नहीं हो रहा है उन बच्चों के दिमाग में? आप लोग बताइए कि ईडी यदि निष्पक्ष संस्था है तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जितने लोगों पर अभी तक कार्रवाई की है पिछले 10 सालों में, क्या रिकॉर्ड आपको जानना नहीं चाहिए कितने लोगों पर विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई की है, वो विपक्षी पार्टियों में जितने लोग भी हैं उसका कन्विक्शन रेट कितना है, ये आपको जानना नहीं चाहिए? लेकिन मुझे लगता है आज का युवा है, आज का युवा है और शायद ये सब कुछ जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं 95% उसमें से विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई हुई है और कन्विक्शन रेट 0.46% है। ये घुमा के बातें क्या करेंगे? ये टोटल नहीं आप आंकड़ों की बाजीगरी मत कीजिए, आप आंकड़े घुमा के बताएंगे, टोटल ओवरऑल की बात आप करेंगे, ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलेगी, आंकड़ों की नहीं, आप लोग झूठ बोलते हैं। हम जिस कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं उसमें बात कर देता हूँ, मैं पेशे से एक वकील भी हूँ, 25 केसेस में कन्विक्शन पूरा हुआ है, 24 में सजा हुई है, 95% का कन्विक्शन रेट है, अंडर ट्रायल मुकदमों को। अरे भाई साहब वही तो हम कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं की है, चल रहा है आप टोटल के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई की गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। भागिए नहीं, आप ओवरऑल सारे आंकड़े की बात कर रहे हैं जो सदन में रखा गया, सदन में भी बड़ी ईमानदारी से ये लोग झूठ बोलते, एकदम साफ सुथरा झूठ बोल के निकल जाएंगे वहाँ से। अरे हम कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी